नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक शेयर की। तो येस बैंक शेयर में आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सीजन से गिरावट चल रही है। गिरावट के साथ यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई वाला प्रोसेस से लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और स्टॉक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो इसका सपोर्ट था 20.70 पे उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो अब इसमें आगे की चाल क्या हो सकती है और कितनी गिरावट आ सकती है खरीदे बेचे के आखिर, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, 15 या 25, ये स्टॉक का अगला टारगेट क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बात करें ट्रेंड की तो येस बैंक 10.50 के बाद लगातार अप ट्रेंड में है। हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर काम कर रहा है, ज़बरदस्त तेज़ी। लास्ट टाइम येस बैंक काफ़ी महीनों तक यहाँ पर एक लंबी कंसोलिडेशन फेस किया, एक रेंज के अंदर में यह स्टॉक यहाँ पर बना हुआ था। इस रेंज को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया और जिसमें जब गिरावट आई तो अभी यहाँ पर यही लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसका जो एक सपोर्ट 20 के आसपास का उसको तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 18 के लेवल पे। येस बैंक पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था जब इस एरिया पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और 18 के लेवल को ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर गया और जब इसमें अब गिरावट चल रही है तो यही 18 का जो प्राइस है यही इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। बाकी टेक्निकल इंडिकेटर पे देखेंगे तो ये इसका टेक्निकल इंडिकेटर RSI 50 के नीचे आ गया। MACD भी यहाँ पर नेगेटिव क्रॉसओवर, बियरिस क्रॉसओवर दे दिया है, नेगेटिव हिस्टोग्राम जनरेट हुआ है, मतलब अभी गिरावट बढ़ सकती है और मार्केट में भी गिरावट है। निफ्टी बैंक निफ्टी समय भी यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा है तो उसका असर भी येस बैंक में देखने को मिल सकता है।